दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक के बीच बुधवार को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग व सिग्नेचर किया गया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के NSS विंग और गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक द्वारा या NSS द्वारा आयोजित होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप में सहभागिता बनेगी और ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने वाले छात्र छात्राओं को गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने की मौजूदगी में NSS के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह और गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के हेड ऑफ ब्लड बैंक डॉक्टर अवधेश अग्रवाल के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, एक चीज और इसमें मुझे हम लोगों को बायोलेक्ट्रली मिलेगा ना कि आप डोनेशन हमारे साथ ही करेंगे, ऐसा कोई आवश्यकता किसी की भी खोलने पर या जिसके कहने पर हम ब्लड बिना डोनर के दे पाए तो कोई अच्छी होंगे नहीं। ये मुझे जरूरी वेरीफाई कर दिया, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि ब्लड डोनर उसको अवॉइड करने के लिए एक या दो जो तीन व्यक्ति को अधिकृत कर दिया जाए, उनके अनुरोध पर ही रद्द किया जाए। आप ही लोग नाम सर इसको देखिए जी सर, आपके अलावा दो लोग और हो जाएंगे, आपके अलावा प्रदेश का 734 के पीछे अभी तक इस वर्ष 835 आ चुके हैं और हमें टोटल आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के NSS के द्वारा ब्लड बैंक ब्लड डोनेट करने के लिए श्री गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय से एक MOU के अधिकारी के द्वारा और वहाँ के जो डॉक्टर हमारे उनके द्वारा साइन किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा समय समय पर ब्लड डोनेट किया जाता रहा है। तो अब ये MOU के तहत अब ये जो ब्लड डोनेशन होगा वो तो श्री गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय को जाया करेगा, वहाँ से जो है वो ब्लड समाज सेवा में हॉस्पिटल में जहाँ यूज होता है वो होता रहेगा। साथ ही हमारे जो छात्र हैं इस विश्वविद्यालय के, वो भी जब चाहेंगे डोनेट दे सकते हैं, कर सकते हैं, और यदि उनको अपने यूज़ के लिए आवश्यकता रहेगी तो यहाँ के हमारे जो अधिकारी होंगे उनके रिकमेंडेशन के आधार पर वहाँ का जो ब्लड बैंक उनको फ्री में ब्लड मुहैया कराएगी, जिससे जो तत्कालिक हमें जान बचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है इमीडिएटली हमारा संपर्क उनसे बना रहेगा।
तो इमीडिएटली ब्लड अवेलेबल हो जाएगा। खासकर जो रेयर ग्रुप के ब्लड होते हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उसका भी अच्छा इनके पास संग्रह है, तो उससे भी हमें सहायता मिलेगी। और हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को, इस प्रदेश के नागरिकों को, गोरखपुर के विशेषकर नागरिकों को इससे लाभ होगा।